Okay, so welcome back to my video lectures. Okay, so today in this video we will discuss about the previous year questions that are based on the CSIR NET examination. Okay, so about Ramachandran plot. Okay, we already discussed about this topic Ramachandran plot. Okay, हमने video में discuss किया हुआ है कि Ramachandran plot में क्या प्लॉट किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, व्हाट आर फाई एंड साई वैल्यू, व्हाट आर डाइहेड्रल एंगल जो हम फाई एंड साई से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने कवर किए थे वीडियो लेक्चर में. ठीक है, इस लेक्चर में हम सिर्फ पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व करेंगे. आई विल नॉट गिव यू डिटेल अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट. आई विल सॉल्व ओनली द पीवाईक्यूज दैट आर फ्रॉम द सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन. ओके, सो before going to watch this video, please make sure that you will watch that video also. Before going to watch this video, I will provide the link of those videos in the description box. You have to watch that videos before going to watch this video. Okay, let's start from the questions. Okay, so first question जो है मैंने write down किया हुआ है. यहाँ पे हमें क्या करना है, correct statement choose करनी है. ठीक है, स्टेटमेंट्स जो हैं हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड दी गई हैं. ठीक है, रामाचंद्रन बेस्ड क्वेश्चन है, प्लॉट से आया हुआ है, तो ये हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है. दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट बोलते हैं कि ग्लाइसिन हैज़ लार्जेस्ट एरिया ऑफ अलाउड स्पेस इन रामाचंद्रन प्लॉट ऑफ फाई एंड साई वैल्यूज. ओके, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड रेजिड्यू है ना, उसका सबसे ज़्यादा जो एरिया है अलाउड रीजन्स. ठीक है, हमने जहाँ पे जब मैंने वीडियो में रामाचंद्रन प्लॉट डिस्कस किया था, आई डिस्कस्ड देयर कि व्हाट आर अलाउड रीजन्स, व्हाट आर डिसअलाउड रीजन्स. तो अलाउड रीजन्स क्या हैं, अलाउड रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ही कम हिंड्रेंस है बिटवीन दी एटम्स. ओके, एटम्स के बीच में बहुत कम हिंड्रेंस होने की वजह से वहाँ पे अलाउड स्पेसीज हैं. जहाँ पे कम हिंड्रेंस है ऑब्वियसली वहाँ पे वैल्यूज जो है परमिटेड होंगी. ठीक है, जहाँ पे हिंड्रेंस होगी वहाँ पे डिसअलाउड रीजन्स होंगे. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि ग्लाइसिन का सबसे ज़्यादा अलाउड स्पेस है. ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्यों करेक्ट है, क्योंकि ग्लाइसिन का जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ग्लाइसिन जो है एक स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है. ठीक है, जिसके साइड ग्रुप में क्या आता है, हाइड्रोजन एटम. तो ये बहुत ही क्या है, यहाँ पे ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये लेस स्टीरिकली हिंड्रेंस है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है इसके केस में. तो इसकी वैल्यू जो है ना, अलाउड स्पेस इसका बहुत ज़्यादा है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्लाइसिन का जो है साइज स्मॉल है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, इस वजह से वहाँ पे अलाउड स्पेसेस ज़्यादा हैं. अलाउड स्पेसेस होंगे वहाँ पे कन्फर्मेशन पॉसिबल है. तो ग्लाइसिन के केस में बहुत ज़्यादा एरिया होता है, क्योंकि ये स्मॉल जो अमीनो एसिड है और इसमें हिंड्रेंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. तो डिसअलाउड स्पेस भी कम होंगे, ऑब्वियसली अलाउड स्पेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं कि अलाउड वैल्यूज जो होती हैं फाई एंड साई किसी अमीनो एसिड के लिए इन अ प्रोटीन नॉट वैलिड फॉर द शॉर्ट पेप्टाइड एंड दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, क्यों इनकरेक्ट है, ये बोल रहे हैं कि जो अलाउड वैल्यूज है ना फाई एंड साई की किसी भी अमीनो एसिड के लिए, वो शॉर्ट पेप्टाइड है. यहाँ पे वर्ड पेप्टाइड, ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड के लिए जो है वो वैलिड नहीं है, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने ये देखा है जब हम रामाचंद्रन प्लॉट को डिस्कस करते हैं ना, तो वहाँ पे हम एल-एलानिन के केस में हमने डिस्कस किया था, एल-एलानिन रेजिड्यू के लिए. तो कोई भी रेजिड्यू, मान लो एक फर्स्ट रेजिड्यू है, सेकंड रेजिड्यू है, थर्ड रेजिड्यू है, अमीनो एसिड जो है एक दूसरे से जुड़ के पेप्टाइड बनाते हैं. तो ये कितने भी जो है लॉन्ग हो सकता है. ठीक है, शॉर्ट पेप्टाइड दो अमीनो एसिड के बीच में भी जो है पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो शॉर्ट भी हो सकता है पेप्टाइड, लॉन्ग भी हो सकता है. तो ये तो कोई पॉइंट नहीं है कि नॉट वैलिड फॉर द शॉर्ट पेप्टाइड. वहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो दो ही अमीनो एसिड रेजिड्यू हैं या तीन अमीनो एसिड रेजिड्यू कोई पेप्टाइड है. ठीक है, तो उसमें भी हर एक अमीनो एसिड की अपनी फाई साई वैल्यूज होंगी, अपने एंगल होंगे हर एक अमीनो एसिड के लिए. तो वहाँ पे अलाउड वैल्यूज भी जो है वो हर एक अमीनो एसिड की होंगी. तो ऐसा नहीं है कि ये कोई क्राइटेरिया है कि जो पेप्टाइड है वो इतना लेंथ लॉन्ग ही होना चाहिए, ये शॉर्ट के लिए वो अलाउड रीजन्स नहीं है. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. अलाउड वैल्यू फाई साई ये कितने भी रेजिड्यू लॉन्ग हो पेप्टाइड सबके लिए है. ठीक है, फाई साई की वैल्यूज. तो इट इज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो सेकंड क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मैं यहाँ से ये क्या है इरेज कर देती हूँ कि मैंने थर्ड स्टेटमेंट राइट डाउन नहीं की हुई है। थर्ड स्टेटमेंट जो है क्या है, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि तो अलाउड वैल्यूज़ है ना फाई एंड साई, अलाउड वैल्यूज़, ठीक है, अलाउड जो वैल्यूज़ हैं फाई या साई के लिए, ठीक है, फाई एंड साई फॉर एमिनो एसिड, ओके ये तो हमने राइट डाउन की हुई है कि दैट इज़ नॉट वैलिड, ये हमने राइट डाउन की हुई है। ओके थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है कि एक रेजिड्यू है 20 रेजिड्यू, हमारे पास कोई प्रोटीन है 20 रेजिड्यू पेप्टाइड है, ठीक है, वो एसिटाइलेटेड किया गया है, एसिटाइलेटेड है एट एन टर्मिनस, एन टर्मिनस पे वो क्या है एसिटाइलेटेड है, और सी टर्मिनस पे क्या है एमाइडेटेड है, एमीन ग्रुप ऐड हुआ है, एमाइडेटेड है सी टर्मिनस पे, ठीक है, सी टर्मिनस पे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, फाई और साई की वैल्यू दी हुई है। फाई की वैल्यू है -60, साई की वैल्यू है मान लो -30 दी हुई है, ठीक है। फॉर ऑल द रेजिड्यू इट कैन बी कंक्लूडेड फॉर ऑल एमिनो एसिड, ओके ये बोल रहा है कि अब हमें क्या कंक्लूड करना है, इट कैन बी कंक्लूडेड, ये बोल रहा है कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, कंक्लूडेड कि जो पेप्टाइड है हमारा पेप्टाइड वो क्या है हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड, हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड है, ठीक है। सो ये हमने दो डिस्कस कर लिए, ठीक है, कि ये एक स्टेटमेंट ये वाली इनकरेक्ट थी, ऊपर जो ग्लाइसिन वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट वन है। थर्ड स्टेटमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके थर्ड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि 20 रेजिड्यू पेप्टाइड है हमारे पास, ठीक है, 20 रेजिड्यू पेप्टाइड में ज्वाइन हुए हैं, उसका जो एन टर्मिनस है ना वो एसिटाइलेटेड है, और जो सी टर्मिनस है वो एमाइडेटेड है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो फाई की वैल्यू है ना दैट इज -60 और साई की वैल्यू क्या है -30, ठीक है। तो इन वैल्यू से ये जो फाई और साई की वैल्यू दी हुई है -30 एंड -60, ये बोल रहा है कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पेप्टाइड है वो कैसी है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हेलिक्स, व्हाट इज हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड है, यहाँ पे हेलिक्स भी होता है एक मोटिफ, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड। ओके तो हमें बाकी स्टेटमेंट अगर हम जो है पढ़े भी ना तब भी हम फाई और साई की वैल्यू दी है, इससे ये कंक्लूड कर रहा है कि जो पेप्टाइड का स्ट्रक्चर है दैट इज हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड, हेलिक्स टर्न मींस अल्फा हेलिक्स टर्न और स्ट्रैंड बीटा स्ट्रैंड, ठीक है। ये क्या है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, दीज आर नॉट दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दीज आर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या जिनको हम मोटिफ भी बोल देते हैं, ठीक है, मोटिफ या फोल्ड जिनको बोला जाता है। एक्चुअली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ओके ये क्या है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम यहां से सोचें तो ये जो स्टेटमेंट है ना इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये करेक्ट है ही नहीं। सबसे मेन बात जब हम फाई और साई की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, फाई और साई, तो इस साइड साई वैल्यू है, फाई है, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्राफ होता है -180 to +180 या +180। तो अगर इसने क्या बोला कि फाई भी माइनस है साई भी माइनस वैल्यू है, तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि इस रीजन में वो वैल्यू लाया करेगी, ठीक है, फाई भी माइनस में है और साई भी क्या है माइनस में, तो ये वाला रीजन होगा, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd and 4th क्वाड्रेंट। तो जब 3rd क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं ना, 3rd क्वाड्रेंट, तो हमने ये देखा हुआ है कि जब 3rd क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज लाई करती हैं 3rd क्वाड्रेंट में, यहाँ पे right-handed हेलिक्स बनता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले में लेफ्ट-हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनता है, सेकंड में हमारी बीटा शीट कंफर्मेशन देखने को मिलती है, और 3rd क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज लाई करती हैं जो right-handed हेलिक्स है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब माइनस मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में से जब वैल्यू लाई कर रही हैं तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड। ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम कंक्लूड कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते थे कि हाँ यहाँ पे राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्मेशन हो सकती थी, ठीक है। बट इसने क्या बोला, हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड। और हेलिक्स टर्न स्ट्रैंड क्या है, दीज आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दीज आर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है हमारा, जब हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो एक क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करेंगे तो रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये किस लिए यूज किया जाता है। पहले तो यही टर्म हम जो है वो माइंड में याद रखेंगे कि ऑब्वियसली एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है जो फाई साई वैल्यू प्लॉट करके बनता है। और ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है किसके बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के उनके बारे में बताता है, ना कि मोटिफ्स या फोल्डिंग के बारे में बताता है। ये फोल्डिंग है, जब हेलिक्स की बात, अल्फा यहाँ पे टर्न हुआ है, ये बीटा टर्न या बीटा स्ट्रैंड, तो ये 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मिलके जब पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होता है तब ये मोटिफ्स जो है वहाँ पे क्रिएट होते हैं। और ये किसका पार्ट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का, जो कि हमारा रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो नहीं बताता है। रामाचंद्रन प्लॉट सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कंक्लूड कर सकता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम सीधा इनकरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की इसने, सुपर सेकेंडरी या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो कि रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो उसके लिए यूज किया नहीं जाता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। 4th एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। 4th स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारा एक और इसने बोला कि हमारे पास एक पेप्टाइड दिया हुआ है, ठीक है। मैंने ये सीएसआईआर का क्वेश्चन पेपर से डिस्कस कर रही हूँ मैं। ये एक और पेप्टाइड है, ठीक है, एक पेप्टाइड और है। मान लो इस तरह से कोई पेप्टाइड दे रखा है हमारे पास, पेप्टाइड है, ठीक है। इसको एसिटाइलेटेड किया हुआ है, ओके। फर्स्ट अमीनो एसिड जो है इसका एसिटाइलेटेड है, सिमिलरली बोल रहा है। सेकेंड अमीनो एसिड प्रेजेंट है, थर्ड है, 4th जो है वो हमारा अमीनो एसिड, यस, यहाँ पे भी इस तरह से इसने राइट डाउन किया है, 4th अमीनो एसिड है, ठीक है। एसिटाइलेटेड हुआ है, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड, थर्ड एंड 4th, 4 अमीनो एसिड यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बोल रहा है कि इट विल अडॉप्ट अ वेल डिफाइंड बीटा टर्न। अगर ये बोल रहा है कि हमारे पास डाईहिड्रल एंगल दिए हों, डाईहिड्रल एंगल, इन 2 अमीनो एसिड के हमारे पास फाई और साई की वैल्यू दी गई हो, तो ये बोल रहा है कि क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पेप्टाइड है ये बीटा टर्न अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो व्हाट आर बीटा टर्न्स, ठीक है। बीटा टर्न क्या है, दीज आर ऑल्सो सेकेंडरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ओके। तो ये भी माइंड में रखना है कि जब भी हमें जो है फाई साई वैल्यू दी गई हो, बोला गया हो कि अगर हमारे पास फाई साई वैल्यू दी जाए इन अमीनो एसिड्स की, तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं बीटा टर्न के बारे में, यस वी कैन कंक्लूड, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या है, कंक्लूड कर सकते हैं, ओके तो ये भी क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट थी, एक ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि हम बीटा टर्न्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और एक स्टेटमेंट करेक्ट थी कि जो ग्लाइसिन होता है उसका सबसे ज़्यादा एरिया होता है रामाचंद्रन प्लॉट में। बाकी 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, जो क्या बोल रहा था, एक में बोल रहा था कि वो अडॉप्ट करेगा, मोटिव कन्फर्मेशन के बारे में बोला गया था कि रामाचंद्रन प्लॉट से हम वो भी पता लगा सकते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट में हम क्या बता सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो क्या है, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट या बीटा टर्न्स, दीज आर ऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन जो है वो सीएसआईआर का लिया था। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी एग्जाम में पूछा गया था कि हमें क्या चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पे चूज करनी है। 1st स्टेटमेंट दी गई थी कि पेप्टाइड that are unstructured will have all the dihedral angle, in disallowed region, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है it is not possible to conclude whether peptide will adopt entirely helix or beta sheet. ओके, थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो थी कि जो हमारा अक्रेंस है बीटा टर्न का, ठीक है, अक्रेंस ऑफ बीटा टर्न in a peptide can be deduced. okay, फोर्थ स्टेटमेंट थी कि जो सीक्वेंस है किसी पेप्टाइड का, सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड can be deduced. ओके, सो यहां से हमें क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये बोल रहे कि पेप्टाइड, यहाँ से चल पड़ते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट, सीक्वेंस ऑफ अ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस. ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट से हम बोल रहे हैं कि सीक्वेंस जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट है, सीक्वेंस तो हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता सकते हैं. वी कैन नॉट डिड्यूस द सीक्वेंस ऑफ द पेप्टाइड, ठीक है, बाय यूजिंग द रामचंद्रन प्लॉट. तो हम क्या है, रामचंद्रन प्लॉट के रिगार्डिंग है ये, ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें से हमें चूज करनी है करेक्ट वन. तो ये बोल रहा है कि रामचंद्रन प्लॉट में जो है हम सीक्वेंस बता सकते हैं किसी पेप्टाइड को, तो इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सीक्वेंस हम बता नहीं सकते, रामचंद्रन प्लॉट से सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता सकते हैं. सीक्वेंस के लिए अलग टेक्निक होती है, जैसे मैक्सम-गिलबर्ट मेथड से बता सकते हैं, सेंगर सिक्वेंसिंग आती है, वो अलग टेक्निक है. सिक्वेंसिंग उन्हीं के थ्रू हम बता सकते हैं. ठीक है, ये जो प्लॉट है ये सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के बारे में बता सकता है. तो ये एक लाइन तो बिल्कुल याद रखनी है रामचंद्रन प्लॉट के बारे में, ठीक है, कि क्या हमें इसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि किस लिए यूज हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वन, ये जो फोर्थ जो स्टेटमेंट थी तो वैसे एक्सक्लूड हो जाते हैं. ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि इट इज नॉट, सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड दैट पेप्टाइड अडॉप्ट द एंटायरली हेलिक्स और विल अडॉप्ट द बीटा शीट. ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है ही नहीं बताना रामचंद्र प्लॉट से कि जो हमारा पेप्टाइड है वो या तो हेलिक्स अल्फा हेलिक्स कन्फॉर्मेशन अडॉप्ट करेगा या बीटा शीट अडॉप्ट करेगा, ये बताना कह रहा पॉसिबल है ही नहीं, जबकि ये पॉसिबल है. ओके, जब भी हम रामचंद्रन प्लॉट के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या बताता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स के बारे में बताता है. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के बताता है, बीटा शीट के बारे में बताता है या बीटा कन्फर्मेशन जो भी है. ठीक है, थर्ड हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स के बारे में बताता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली वी कैन कंक्लूड कि वेदर आवर पेप्टाइड विल अडॉप्ट द एंटायरली हेलिक्स और द बीटा शीट, क्योंकि ये दोनों सेपरेट क्वाड्रेंट में हैं. तो जो एंटायरली हेलिक्स होगा वो फर्स्ट में लाया करेगा, लेफ्ट वाला, राइट वाला किस में लाया करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, जबकि बीटा कन्फर्मेशन होगी तो वो सेकंड में लाया करेगी. तो ये हम बता सकते हैं कि हमारा पेप्टाइड हेलिक्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट करेगा या बीटा कन्फर्मेशन अडॉप्ट करेगा. तो ये क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो ये दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई. ठीक है, और दो जो हैं अब इनको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, पेप्टाइड दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड विल ऑल हैव The dihedral angle in disallowed region. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो पेप्टाइड अनस्ट्रक्चर्ड पेप्टाइड का यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि जो प्रॉपरली फोल्डेड नहीं है पेप्टाइड है, बट दे आर नॉट प्रॉपरली फोल्डेड, तो अनस्ट्रक्चर्ड हैं। तो ये बोल रहे हैं कि उनके अगर हम डाइहेड्रल एंगल फाइ साई वैल्यू देखेंगे ना, तो वो सारी डिसअलाउड रीजन्स में फॉल करेंगी। ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड की अपनी फाइ साई वैल्यूज़ होती हैं जब हम पेप्टाइड में देखते हैं, ठीक है। तो वो सारा हम मिक्स करके जो है कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। वो सारे डाइहेड्रल वैल्यूज़ का सम करके या उनको कंक्लूड करके हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा अलाउड रीजन में जाएगी वैल्यू डिस। बट ये बोल रहा है कि जितने सारे एंगल्स हैं वो सारे डिसअलाउड में हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हर एक अमीनो एसिड की अपनी एक वैल्यूज़ है फाइ साई एंगल के लिए। फिर कौन सा स्टेटमेंट बचता है कि अक्रेंस ऑफ बीटा टर्न इन अ पेप्टाइड कैन बी डिड्यूस, इट कैन बी डिड्यूस, क्योंकि बीटा टर्न क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो ये हम डिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द रामचंद्रन प्लॉट। तो ये क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को जो सीएसआईआर नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दो वे होते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर, एक तो है कि हमें जैसे करेक्ट वन पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम दो स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही सिंपल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करता है कि उनमें हमें जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है ना वो पॉइंट आउट करना है, ठीक है। कई बार क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन दिया होता है, अगर हमें एक तीनों में चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन तो एक ऑप्शन तो हमें पता है कि ये तो गलत है ही है, ठीक है, एक दो में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर ये पता है कि गलत है, तो जब आंसर जब वो पूछते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन में पूछते हैं कि कौन सा सही है, ऐसे भी पूछे जाते हैं कि 1 और 4 करेक्ट हैं या 1 और 2 करेक्ट हैं, तो क्या है हमें पता है कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो हम आंसर में देख लेंगे कि कौन से इनकरेक्ट है। तो वो दो ऑप्शन तो हम एक्सक्लूड कर ही सकते हैं, बाकी के दो ऑप्शंस जो हैं हम टिक आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये एक इजी वे होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें हर एक जो स्टेटमेंट दी है वो सारी हमें पता हो, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी दी जाते हैं कि उस ऑन द स्पॉट सोच के हमें वो टिक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूजन मेथड बोलते हैं इसको, कि हमें जो चीज़ पता है ना उसको लेके हम कॉम्बिनेशन में चेकआउट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये अगर कॉम्बिनेशन में दी हुई है तो वो दूसरी भी करेक्ट ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैच करके हम जो है अपना आंसर राइट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द PYQs ऑफ द रामचंद्रन प्लॉट। ये मैंने जो मेन जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, इसी के बेस पे हम जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है रामचंद्रन प्लॉट को लेके, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले जो है हमें रामचंद्रन प्लॉट जो टॉपिक है वो अच्छे से रीड करना है, तभी हम PYQs जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ओके। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज व्हेनेवर आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।